पिछले 20 वर्षों में यह पहला अवसर है सुशासन जी सरकार में कि हमारे महत्वपूर्ण पर्व और सक्षम समुदाय के महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर हमारे कमाए हुए वेतन का भुगतान नहीं होता है, जबकि 20 साल पहले बिहार की सरकार की प्रथा थी कि ऐसे अवसरों पर हमको अग्रिम वेतन भुगतान मिलता था। और तो और स्थायी शिक्षकों की बात तो दूर रहे, किशनगंज जैसे जिले में 13 महीने से नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अल्प वेतन भोगी होते हुए भी हमारे बेटे बेटे इंजीनियर और मेडिकल में पढ़ रहे हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग का फीस का डेट तय रहता है, अगर ससमय उनके फीस का भुगतान नहीं करेंगे तो हमारे बेटी और बेटियां का नाम कट जाएगा। इसलिए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने निर्णय लिया है कि आगामी 12 से 14 तक बिहार विधानसभा के समक्ष गर्दनी बाग पर हम अनशन का आयोजन करेंगे। अगर उस अनशन से भी बिहार की सरकार की कुमकंडी निदा नहीं खुली तो हमारा बिहार शिक्षक संघ का इतिहास आंदोलन का इतिहास रहा है, हमारा इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है। हम सरकार को चेतावनी भरे लहजे में मेमोरेंडम दे चुके हैं कि अगर 30 जून तक सरकार ने हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया और 20 जून के धरना के बाद भी उनका 12 जून के धरना के बाद भी उनका ध्यान आकृष्ट नहीं किया तो जेल भरो अभियान या अनिश्चितकालीन हड़ताल से भी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ बाज नहीं आएगा। सबसे बड़ा मुद्दा अभी सरकार ने खड़ा कर दिया है कि 2082 में बिहार के सभी मध्य विद्यालयों को तत्कालीन सरकार ने DSE ऑफिस के भ्रष्टाचार, सेवानिवृत्त शिक्षकों के पानी में भुगतान की गड़बड़ी को लेकर सभी मध्य विद्यालयों को निकासी बैन पदाधिकारी बनाया गया था। सुशासन की सरकार ने कुचक्र के तहत 2008 में एक चिन्हित मध्य विद्यालय को हेडक्वार्टर के मध्य विद्यालय को निकासी बैन पदाधिकारी बनाया, तो भी हम लोगों ने संतोष किया। आज बिहार की हुकूमत ने सारे निकासी बैन पदाधिकारी का अधिकार वापस ले लिया है और उसी पदाधिकारी को हमारा वेतन भुगतान का अधिकार दिया है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार, गलत काम करने और सेवानिवृत्त शिक्षकों के पावनी के भुगतान में अकारण विलंब के लिए हजारों हजार कोष न्यायालय में पेंडिंग है। इसलिए हमारे पास आंदोलन के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री को लिखा है कि हमारे आंदोलन से पढ़ाई पर जो भी कुप्रभाव पड़ेगा उसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि हमारे ही सरकारी विद्यालयों में दबे कुचले अभिवंचित वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। बिहार की सुशासन की सरकार चाहती है किन बच्चों को हम शिक्षित नहीं बना के साक्षर बनाए ताकि हमारा वोट बैंक मौजूद रहे। हम सरकार के इस नीति का पर्दाफाश करने के लिए, विरोध करने के लिए, इसका अंत करने के लिए हमने ये अनशन का आयोजन किया। शिवहर में फरवरी से बाकी है, मधेपुरा में 13 महीना से बाकी है, कहाँ कहाँ उदाहरण और जनवरी से मई तक है तो बहुत जिले में बाकी है। और सरकार गुणवत्ता पर शिक्षा की बात करती है जिसका 13 महीना 11 महीना 5 महीना 4 महीना पेमेंट नहीं होगा वो विद्यालय में पढ़ाएगा कैसे। आज भी वित्त विभाग में बैठे हुए थे तो लोग भी कह रहा था कि आप ही का समुदाय है कि 5 महीने तक बिना वेतन रह के विद्यालय में जाता है, कोई भी दूसरा सरकारी कर्मचारी चाहे वित्त विभाग का अधिकारी नहीं जाएगा कार्यालयों में। आपको धैर्य की हम लोग दाद देते हैं कि अगर किशनगंज में 13 महीने से पेमेंट नहीं हुआ फिर भी टीचर विद्यालय में जा रहे हैं। और शिवहर में नियोजित सही सभी शिक्षकों का फरवरी से लेके मई तक का भुगतान नहीं है।